इसके आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसकी वायर मेश का रेंडर निकालना है। वायर मेश की रेंडर का मतलब जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऑन करेंगे तो आपको साथ में इसकी मेसेज भी दिखाई दे रही हैं, कहाँ पर कैसी मेश पड़ी हुई है, इनका फ्लो कैसा है, ये आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये जो ऑप्शन आपने यहाँ से ऑन किया है ये आपका रेंडर में नहीं मिलेगा। जैसे ये मेश आप देख रहे हो, आप जब इसका रेंडर निकालोगे तो रेंडर में वो मेश गायब हो चुकी होगी, वो मेश नहीं दिखाई देगी। तो आप जब अपनी मॉडलिंग की सॉलिड बनाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि आपको वायर मेश भी रेंडर में चाहिए होते हैं, ताकि जो आपका मॉडल चेक करेगा उसको ये पता चल पाए कि हाँ इतनी मेश है और मेश का फ्लो कैसा है। तो आपको रेंडर में भी ये मेश को रखना है, ऐसा निकले, जबकि रेंडर में भी निकल नहीं रहा है ये मेश, तो आपको क्या करना होगा। देखो, इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है आज, जिसको बोलते हैं कॉन्टर रेंडरिंग। ये यहाँ से जो मेश है ये ऑफ कर दो, क्योंकि ये आपके अब काम नहीं आने वाली है। ये आपके तब तक हेल्प करेगी जब तक आप यहाँ पर वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो, तब तक यहाँ पर, लेकिन रेंडर में वो आपका साथ छोड़ने वाली है इस तरह से कुछ। तो आप देखो यहाँ पर, अब इसके लिए देखो करना क्या होगा। आप रेंडरिंग का पार्ट है तो आपको रेंडर में जाना होगा। आप रेंडरिंग की प्रॉपर्टी खोलोगे तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट आपके पास में जो रेंडर लगा है वो कौन सा लगा है, माया सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पर रेंडरिंग निकालनी है तो आपको मेंटल रे, वी रे, अर्नॉल्ड जो इस समय चल रहे हैं, इनका यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो आप रेंडर यूजिंग लिखा है, तो हम इसमें कौन सा रेंडर यूज़ कर रहे हैं, माया सॉफ्टवेयर, जो कि डिफॉल्ट माया दे रहे हैं। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर मेंटल रे यूज़ करेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि ऑप्शन कहाँ पर है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन आप करो, देखो यहाँ पर मेंटल रे का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, मस्ट बी कि यहाँ पर मेंटल रे का ऑप्शन आना चाहिए। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मेंटल रे का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम है आपका कि आपका वो प्लगइन ऑन नहीं है, तो प्लगइन ऑन करना है। कहाँ से करेंगे, ये विंडो मेनू में जाना है आपको, और यहाँ पर सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहीं पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको प्लगइन मैनेजर का। तो जितने भी प्लगइन है एक्सटर्नल जो आप इंस्टॉल करोगे वो सारे के सारे यहाँ पर होंगे, तभी आप उनको इंस्टॉल कर पाओगे। तो आप जैसे प्लगइन मैनेजर को क्लिक करते हो, यहाँ आप देखो बॉटम में सबसे नीचे ये प्लगइन्स है, यहाँ पर लिखा माया टू एम आर। माया टू एम आर का मतलब आप स्विच कर रहे हो माया रेंडर से मेंटल रेंडर में, एम आर का मतलब मेंटल। यहाँ पर ये दो चेकबॉक्स बने हैं, इनको आप ऑन कर दो। फिर से चलते हैं रेंडर की प्रॉपर्टी में, ये रहा रेंडर प्रॉपर्टी। ये रेंडर कभी कभी आपको नहीं दिखाई दे सकता है, तो ये बॉक्स इस तरह से बंद होगा, इसको आपको खोलना होगा। तो रेंडर की प्रॉपर्टी में आप फिर से जाओगे, अब देखो आपको रेंडर यूजिंग जहाँ लिखा है यहाँ पर मेंटल ले आ गया है, इस मेंटल ले को यहाँ से ऑन करना है आपको। यहाँ पर देखो फीचर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, फीचर्स यहाँ जाना है, और बिल्कुल नीचे बॉटम पर आना है, बिल्कुल बॉटम पर यहाँ पर लिखा है कॉन्टर्स। अभी अभी इसके बारे में बताया आपको, ये मेस रेंडर निकालना है, वायर फ्रेम देखनी है रेंडर में, तो कॉन्टर रेंडरिंग निकालना होगा। तो इसको ऑन करेंगे इस ऑप्शन से जाके, लिखा इनेबल कॉन्टर रेंडरिंग, आपने इनेबल कर दिया और इसका रेंडर निकालते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रेंडर निकल रहा है अभी भी उसमें मेस नहीं आ रही है। फिर से चलते हैं रेंडर में, यहाँ से इनेबल तो आपने कर दिया, इसके नीचे देखो एक ऑप्शन आपको फिर से मिल रहा है ड्रॉप बाई प्रॉपर्टी डिफरेंस, इसका भी यूज करना पड़ेगा, क्या है देखते हैं। इसको भी ड्रॉप डाउन करेंगे, इतने सारे ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन आपको, ये प्रीसेट है बेसिकली, तो इन प्रीसेट में से कोई एक ऑप्शन आपको देना होगा कि वो उस बिहार पे यहाँ से कॉन्टेक्ट दिखाए। तो यहाँ पर कोई भी लगा लो, जैसे मान लो ये लगाते हैं अराउंड आयल पॉलीफेस, ये रेंडर निकल गया, लेकिन अभी अभी आप देख रहे हो कि इसमें अभी भी वो चीज़ नहीं आई जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो। मिनिमाइज करते हैं, फिर से रेंडर की प्रॉपर्टी में जाना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर चलते हैं, देखो ये क्वालिटी का एक ऑप्शन आ रहा है टैब यहाँ पर, ये शिफ्ट करना है यहाँ, और यहाँ पर सैम्पलिंग के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है सैम्पलिंग मोड, तो यहाँ लिखा है यूनिफाइड सैम्पलिंग का, तो इस मोड को आप लगा देंगे लीगेसी सैम्पलिंग मोड। लीगेसी का मतलब होता है जो पुराने वर्जन में रहा था उसी मोड पे हमको डालना है इसको, ये देख सकते हैं। जैसे हमने लीगेसी पे डाला, एक बार फिर से रेंडर पे हिट करेंगे तो आप देखोगे कि अभी भी हमको वो चीज़ मिल नहीं रही है शेडर की प्रॉपर्टी में। तो आप जब शेडर की प्रॉपर्टी, इसके ऊपर जो भी शेडर डाला है इसकी प्रॉपर्टी में आप जाएंगे मटेरियल एट्रीब्यूट में, तो देखो यहाँ पर इसकी शेडिंग ग्रुप में ये ब्लिन है, शेडर है आपका, इसके बगल में आ रहा है, इसके साथ में शेडिंग ग्रुप आ रहा है ब्लिन टू का, इस पर हिट करेंगे, इसमें नीचे मेंटल रे का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें भी ये काउंटर का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि रेंडर की प्रॉपर्टी से तो काउंटर ऑन कर दिया, अगर केवल रेंडर की प्रॉपर्टी से ही काउंटर ऑन होने से काउंटर ऑन हो जाता तो सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी की काउंटरिंग निकल जाती, लेकिन आपको सबका नहीं निकालना है, किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का ही निकालना है। तो आपको शेडर पे भी बताना पड़ेगा कि शेडर ये है हमारा, ऑन कर दिया इनेबल काउंटर रेंडरिंग, एंड देन अब आप रेडी हो काउंटरिंग के लिए। यहाँ से आप देखो ये शेडर में ही है, शेडर की प्रॉपर्टी में कलर, आप यहाँ से कलर व्हाइट आ रहा है, व्हाइट की जगह आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, हमको ब्लू चाहिए तो ये कलर चेंज कर दिया हमने। अब आप देखोगे ये जो इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं, आपने जो प्रीसेट दिए थे फीचर में जाके कि अराउंड आल पॉलीफेस, तो देखो यहाँ से आप रेंडर को सेव कर सकते हो इस ऑप्शन से, इसको क्लिक करेंगे ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। हम इसको हटा के एक ऑप्शन देते हैं अराउंड कोप्लेनर फेसेस डिफरेंस मटेरियल, मटेरियल तो दो अलग अलग है नहीं, एक ही मटेरियल इसलिए काम नहीं करेगा,
टेसिलेशन वाला ले। तो यहाँ आप देखोगे टेसिलेशन में ट्रायंगल फेस में उसने निकाला है रेंडर, इसको सेव कर लो। पुराना रेंडर आप देखोगे तो वो क्वाड फेस में था, अभी टेसिलेशन में आ गया। इस तरह से ये अलग अलग टाइप है, तो ये आप चेक कर लेना कि क्या अलग अलग टाइप है। और भी चलते हैं तो आप देखोगे जो रेंडर निकला था तो ये बड़ा रफ सा आ रहा था, बहुत मोटी मोटी सी वायर आ रही थी, तो आपको वायर पतली करनी है। अब कहाँ जाना होगा, तो यहाँ देखो एक एब्सोल्यूट विथ लगा हुआ है और रिलेटिव विथ लगा है, तो यहाँ से जरा विथ चेंज करते हैं। जैसे 1.25 है तो हम इसको करते हैं 0.7, थोड़ी सी पतली चाहिए हमको आउटपुट। देखो मेज पतली हो रही है, ये देखिए आप देखो मेज पतली तो हो गई, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है अभी भी रास्टर हो रही है, पिक्सलेट हो रही है। तो आप इसको सही करना चाहते हो तो यहाँ से ऑप्शन खत्म हो गया है। चलते हैं रेंडर की प्रॉपर्टी में, यहाँ पर देखोगे कुछ ऑप्शन और हैं, जैसे इनेबल के नीचे देखोगे हाइट सोर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। सो हाइट सोर्स का मतलब ये होगा कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो गायब हो जाएगा, केवल वायर फ्रेम यहाँ पे दिखाई देगी, आप देख सकते हो यहाँ से। ये देखो ऑब्जेक्ट आपका गायब हो गया, ये ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं इसकी जो मैसेज आ रही है बड़ी रफ सी आ रही है, तो आप चलोगे इसकी प्रॉपर्टी में, ऊपर देखो एक ऑप्शन आ रहा है ओवर सैम्पलिंग का, ये यहाँ पर ओवर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का ऑप्शन कहीं पर भी अगर माया में मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो आपकी क्वालिटी को बेटर करेगा। तो आपकी ये 1 है, आप यहाँ 4 कर दो या 3 कर दो, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। और यहाँ जब आप रेंडर इसका निकालोगे तो आप इसकी क्वालिटी में भी चेंजेस पाओगे। देखो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेस आपको दिखाई दे रही है, ये देख रहे हैं ये, इससे पहले जो मेस आ रही थी बड़ी रफ सी आ रही थी, ये देखो बड़ी मोटी सी भद्दी सी आ रही थी, रास्टर हो रही थी ये। नाउ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये की और अच्छी मैसेज चाहिए तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में इनको, अब इसके ऊपर कौन सा सेटर पड़ा है, ब्लिम 2 है एग्जिस्टिंग में, ब्लिम 2 इसके ऊपर भी डालते हैं ये। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं तो आप देखोगे वहाँ सेटिंग बनाने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग बनी हुई है, तो उसका काउंटर ऑलरेडी निकलेगा। ये देख रहे हैं कितना क्लियर निकल के आ रहे हैं, और क्योंकि बैकग्राउंड हाइड कर दिया है तो यहाँ पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अभी ये टेसिलेशन में लगाया था इसलिए टेसिलेशन आ रहा है। ये हम अराउंड ऑल पॉली फेसेस करेंगे तो वैसे ही निकालेगा जैसा मेस उसमें होगा ओरिजिनल, क्लियर है। अभी आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपकी कार मॉडलिंग है, आपका कोई कैरेक्टर मॉडल है उस पर, यही बस क्या करना है आपको। हाँ यहाँ पर अगर आपने एक बार सेडर चेंज कर दिया इसके ऊपर, न्यू मटेरियल कोई दूसरा सेडर अप्लाई कर दिया, लैम्बर्ट कोई डाल दिया, तो अब इसका नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि रेंडर की प्रॉपर्टी से तो सेटिंग ऑन है, लेकिन जो नया सेटर आया है उसके अंदर जो सेटिंग है वो हम नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं निकाले। अगर इसका भी चाहिए तो आपको क्या करना है, रेंडर से तो सारी सेटिंग बनी चुकी है, बस उस सेडर की सेटिंग बना दो आप जाके, तो इसकी मटेरियल एट्रीब्यूट में आप जाओगे और ये सेटिंग ग्रुप में, ना कि लैम्बर्ट की प्रॉपर्टी में, सेटिंग ग्रुप में जाना है। आपको क्या करना है, काउंटर को ऑन करना है और यहाँ से जो विथ दी थी 0.7 वगैरह जो भी थी उसकी सेटिंग सेम करके आप आउटपुट निकाल लो। इस तरह से अलग अलग सेडर कभी निकल आएगा रेंडर।